What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 31 जनवरी 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:05 हो रहे हैं. फ्राइडे है तो आज बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. महीने का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है. कल मार्केट चालू है सैटरडे होने के बावजूद, क्योंकि कल बजट है, तो बजट से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं बाज़ार को, इंडस्ट्री को. क्या यहाँ से बूस्ट मिलेगा मार्केट को, इंडस्ट्री को? यहाँ से हमें निफ्टी नए हाईज क्रिएट करता हुआ क्या दिखाई दे सकता है? निफ्टी का चार्ट, प्राइस चार्ट क्या कहता है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सेंटीमेंट्स है, वो आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 30 जन आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,173 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,099. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. निफ्टी इंडेक्स जैसे ही ओपन हुआ, वैसे ही ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 12,079 ये अचीव हुआ. कुछ देर तक इस लेवल के पास इसने एक पॉज लिया, उसके बाद 12,062 ये सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ. काफ़ी देर तक इस लेवल के पास ही ये लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था. हालांकि जैसे ये लेवल भी ब्रेक हुआ और भी निफ्टी में प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर 30 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. ये जो चाइना में जो वायरस अटैक हुआ है, इसके कारण पूरे दुनिया भर के कंट्रीज में प्रेशर देखने को मिल रहा है. उनके ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल मार्केट्स भी देखे, उनके इंडेक्स भी देखे तो वहाँ पर भी एक फॉल देखने को मिल रहा है. क्योंकि चाइना से लगभग पूरी दुनिया में इंपोर्ट किया जाता है, जो उनका प्रोडक्शन है वो काफ़ी डिपेंड है चाइना के ऊपर. वहाँ से अगर स्पेयर पार्ट्स आते हैं, रॉ मटेरियल आता है, तो इसके बाद उनके फिनिश गुड्स बनते हैं. तो इसके कारण उनका जो प्रोडक्शन का टारगेट्स है वो भी डिले होगा. तो इसके कारण ग्लोबल का ग्लोबल ग्रोथ जो है वो भी वहाँ पर कम होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है. तो इसके कारण काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है. मिडल ईस्ट में भी थोड़ा सा टेंशन चल रहा है और अभी कल बजट है, बजट से काफ़ी उम्मीद है. देखते हैं निफ्टी का प्राइस चार्ट क्या कहता है. लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं. कल यूएस मार्केट में फिर से एक बार रिकवरी देखने को मिली. नासडैक करीब 23 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट्स उससे पहले लाल निशान में बंद हुए थे, काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला था वहाँ पर. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 43 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. नया डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का शुरू हो रहा है, नया मंच शुरू हो रहा है. तो एक पॉजिटिव होप के साथ कल जो बजट है इसके बारे में काफ़ी उम्मीदें हैं इंडस्ट्री को. तो इसके लिए एक रिकवरी फेज यहाँ से क्या कन्वर्ट होगी अप ट्रेंड में, यह देखते हैं प्राइस चार्ट में. और इसके आगे निक्केई देखें तो 290 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट में अभी भी वहाँ पर चाइनीज़ हॉलीडेज चल रहे हैं तो चाइना मार्केट फिलहाल बंद है. डाव फ्यूचर की बात करें तो 56 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिला जुला कारोबार हमें देखने को मिल रहा है. साफ तौर पे प्रेशर है चाइना में जो वायरस अटैक हुआ है उसका. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. उससे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. मंथली चार्ट से शुरू करते हैं. ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है. मंथली चार्ट को अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है. लेकिन अगर आप देखें प्राइस एक्शन वर्सेस आरएसआई तो यहाँ पर निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है. हालाँकि कल बजट है, कल बजट कैसा आता है इसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन प्राइस चार्ट उससे पहले हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आरएसआई वर्सेस ये प्राइस एक्शन का जो मूवमेंट है ये यहाँ पर निगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है. ऊपर प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हायर हाइज बन रहे हैं. और नीचे अगर आरएसआई को देखें तो यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे हैं. ये सिमिलर बिहेवियर नहीं है. जब भी आरएसआई ऐसा निगेटिव डाइवर्जेंस दिखाता है तभी ऐसा माना जाता है कि ऊपर जो बुल्स में स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू बेयर्स. तो यहाँ पर तो अगर देखें मंथली चार्ट में
तो ये जो अपसाइड मूव आया है ये सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा हमें ये टेक्निकल एनालिसिस, ये प्राइस चार्ट का एनालिसिस हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। हालांकि स्ट्रक्चर वाइज देखें तो अभी भी बुलिश है, 20-50-100 के ऊपर निफ्टी है, बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यह है मंथली चार्ट का सिनेरियो, वीकली चार्ट में एक बार देख लेते हैं। यह है वीकली चार्ट, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट वीक भी हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये जो 23.6% और 38.2% का ये जो लेवल्स है ये अभी अचीव्ड हो चुके हैं। यहाँ पर ये वीक ख़त्म होने में अभी भी दो दिन बाकी हैं, तो इस लेवल को क्या ये रिस्पेक्ट करता है ये देखना यहाँ पर काफ़ी लाजमी होगा। ऊपर 31,400 का रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे 30,090 का सपोर्ट बनेगा। काफ़ी कुछ कल बजट के ऊपर निर्भर करता है, जैसे बजट शुरू होगा वैसे यहाँ पर वोलेटाइल मूव दिखाना शुरू होगा। तो यहाँ पर ये दो लेवल्स के बीच में हो सकता है ये ट्रेड करे। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये सपोर्ट के आसपास है, कल के बजट के ऊपर यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट पर चलते हैं, लास्ट फ्राइडे भी हमने यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश टू बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड और ये हो सकता है राइट शोल्डर। तो यहाँ पर ये बुलिश टू बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन चुका है और ये इसका नेकलाइन है। अब ये कंटिन्यूस नेकलाइन को ऊपर की तरफ आते वक्त यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है नेकलाइन का, तो अगर मार्केट को ये बजट डिसअपॉइंट करता है तो यहाँ से और भी ज़बरदस्त फॉल हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन में तो यहाँ पर जो पैटर्न बना है ये बुलिश टू बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। देखते हैं कल बजट में क्या होता है। तो यहाँ पर काफ़ी कॉशियस रहना पड़ेगा, अगर ऊपर की तरफ अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो ये 31,400 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही यहाँ से ओवरनाइट के लिए लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। फिलहाल ये जो सिनेरियो है इससे लग रहा है कि अगर बजट डिसअपॉइंट करता है तो यहाँ से और भी फॉल आ सकता है यहाँ पर। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट को देख लेते हैं। यह है वीकली चार्ट, दो दिन बाकी है, जैसा कि हम लास्ट मंडे से यहाँ पर यह फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके रखा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट का जोन 11,900 के पास बन रहा है एज़ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, और ऊपर में जब तक ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ से अपसाइड मूवमेंट का कन्फर्मेशन मिलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी का। डेली चार्ट पर चलते हैं, डेली चार्ट में आपको याद होगा अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था। ये जो दो लास्ट के ये जो दो स्विंग लोज बने हैं ये यहाँ पर, तो एग्जैक्ट कल फिर इसने यहाँ पर ये देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टेस्ट किया। तो अभी यहाँ क्या यहाँ से ये फिर से बाउंस बैक दिखाएगा, 20 EMA के ऊपर सस्टेन कर पाएगा? तो ये अगर होता है 20 EMA के ऊपर सस्टेन करता है कंफर्टेबली, अगर यहाँ पर ऐसे दो बुलिश कैंडलस्टिक बनते हैं, एक बार ब्रेक करने का है उसके बाद एक कंफर्मेशन का कैंडल, तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हम टेक्निकली कह सकते हैं कि यहाँ से अपसाइड मूव आ सकता है। अदरवाइज़ ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अभी इम्पॉर्टेंट है, कल अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो यहाँ से और भी निफ्टी इंडेक्स में हमें फॉल दिखाई दे सकता है। तो ये डेली चार्ट का सीनरियो, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। यह 60 मिनट का चार्ट, निफ्टी इंडेक्स अगर कल का ये जो लो है 12,010 इसको अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक डाउन लेवल, इसे मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेक डाउन लेवल। इसके नीचे सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,994, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर, और सेकंड टारगेट होगा 11,972, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है तो यहाँ पर ये देखिए कल एक बोरिंग कैंडल बना है
काफ़ी इसने लंबा टेल छोड़ दिया ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की लेवल पे ये सस्टेन नहीं हो पाया यहाँ पर। तो जहाँ पर इसका हाई आ रहा है उसी के पास ये पिवट पॉइंट का भी लेवल आ रहा है, और इस लेवल के पास ये 2 दिन पहले यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था, ये यहाँ पर ये गैप क्रिएट हुआ था। तो हो सकता है ये गैप आज फील हो, अगर ये पिवट पॉइंट के लेवल को अगर कंफर्टेबली क्रॉस करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो आज के लिए ये हो सकता है हमारा ब्रेकडाउन लेवल, ब्रेकआउट लेवल, इसे मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,086, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 12,107, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के लेवल्स। कल बजट है, तो बजट के वक्त काफ़ी टेक्निकल लेवल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, जैसे जैसे बजट बढ़ता है उस हिसाब से वोल्टाइल मूव देखने को मिलता है। तो आज के लिए ये था निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।